नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और अब तक लगभग पूरी दुनिया में 287,000 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 42,00,000 लोग संक्रमित हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो 70,000 लोग संक्रमित हैं और लगभग 2,294 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोरोना के सामने पूरी दुनिया बेबस नजर आ रही है। इस खतरनाक वायरस से हिंद महासागर के छोटे छोटे द्वीप की हालत बेहद खराब है, लेकिन ऐसे मुश्किल घड़ी में भारत इन देशों के लिए देवदूत बनकर आया है। जी हाँ, मिल रही सूचना की माने तो भारत विदेश मंत्रालय की अगुवाई में मिशन भारत के नाम से ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें भारत मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल, मॉरिशस जैसे देशों की मदद करेगा। भारत इस मामले में इन देशों की मदद के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण, दवा और कोरोना को रोकने के लिए PPI किट दे रहा है। इसके साथ ही साथ भारत इन देशों को खाने पीने की सामग्री भी दे रहा है। भारत कोरोना के खिलाफ इस जंग में कुछ देशों को मेडिकल टीमें भी भेजने की तैयारी में है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी की माने तो पहले तो मॉरिशस और कोमोरोस के लिए 2 मेडिकल टीमें भेज रहा है और ये टीमें ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि डेंगू से भी लड़ने में मदद करेगी। कोमोरोस में तो इस वक्त कोरोना से ज्यादा डेंगू का कहर है और इसके साथ ही साथ भारत मेडागास्कर और सेशल को कोरोना से लड़ने के लिए दवाई उपलब्ध करा रहा है। जानकारी की माने तो मिशन सागर का नाम प्रधानमंत्री मोदी के सागर अवधारण पर आधारित है। फरवरी साल 2016 में पीएम मोदी ने एक भाषण में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का नारा दिया था और इसी को अब सागर कूटनीति के नाम से जाना जाता है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो कुछ दिनों पहले ही चीन इन छोटे छोटे देशों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया और अब भारत सागर ऑपरेशन से इन देशों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो कोरोना की जंग में भारत ने सेशल को 600 टन सामग्री भेजी है और इसके साथ ही साथ भारत इन देशों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा भेज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत चीन को सागर में हराने की कोशिश कर रहा है और कैसे छोटे छोटे देशों के दिलों में जगह बना रहा है।